सो गाइस, सेकंड डे इन जयपुर, 1 दिसंबर 2019, एंड आज है हमारी एनिवर्सरी। तो सबसे पहले हमने केक काटा। कुछ भी शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि उठे बस, और ऋत्विक के साथ शूट करना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इधर उधर भागा दौड़ी करता है। फिर ब्रेकफास्ट के लिए आज मॉर्निंग में गए, उसके बाद बिरला मंदिर गए थे सबसे पहले मॉर्निंग में, उसके बाद हम ज़ू गए थे, वो सब शूट कर लिया। लेकिन ये इसके साथ मॉर्निंग का जो डाइन इन का जो था वो मैं शूट नहीं कर पाई खाने का, क्योंकि ये बहुत ही शैतान बच्चा है। शैतान हो ना? ये बहुत ही ज़्यादा शैतान है, और वहाँ पे इतनी क्रॉकरी वगैरह होती है, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और इसके भी चोट ना लग जाए इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वजह से मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई, और व्लॉग करना मेरे लिए इजी नहीं होता है क्योंकि व्लॉग करने की मुझे आदत भी नहीं है, बहुत कम व्लॉगिंग करती हूँ मैं, तो इसीलिए बहुत कम शूट कर पाती हूँ। पर जितना पॉसिबल हुआ उतना मैंने आपको दिखाया है, और अभी हम रेडी हो गए हैं। टाइम कितना हो रहा होगा अभी? कितना? तो अभी 6 बज रहे हैं, तो अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock। हाँ, चल रहे हैं बेटा, सी अभी भी वो शोर मचा रहा है चलने के लिए। तो अभी हम चौकी धानी जा रहे हैं, तो चौकी धानी का मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमने इन्जॉय किया वहाँ पे। और आज मॉर्निंग से ना मुझे थोड़ा स्टमक पेन है, पता नहीं क्यों, खाने की वजह से बाहर के या किस वजह से, थोड़ा अनईजी हो गई थी इसलिए भी मैं शूट नहीं कर पाई। सो चलिए चौकी धानी चलते हैं, वहाँ मैं आपको दिखाती हूँ फिर। क्या कर रहे हो? लिफ्ट का वेट कर रहे हो? बस बस बस, एक गंदी बात। क्या करते हो बेटा आप? चलो चलो चलो, ही सो एक्साइटेड है ना लिफ्ट में जाने के लिए, इतने एक्साइटेड हो आप, इतने एक्साइटेड हो लिफ्ट में जाने के लिए। तो हम निकल गए हैं चौकी धानी जाने के लिए, एंड हमारे होटल से 15 to 20 minutes का डिस्टेंस था ओनली चौकी धानी का। तो हम पहुंच गए हैं चौकी धानी रिजॉर्ट, एंड ये है इसका लुक, बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है एंड काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब ट्रेडिशनल सा थोड़ा फीलिंग आती है। इस तरह से बस एंट्री है यहाँ पे, थोड़ा सा ये एंट्री होने के बाद एक और एंट्रेंस है जहाँ से हमें टिकट्स लेनी होंगी, तो ये एक और एंट्री है। यहाँ पे पूरा मील का इन्होंने पैकेजेस हैं इनके पास, वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, 750 का है, 950 का है, 1250 का है, तो डिफरेंट डिफरेंट पैकेज हैं जिसमें आप ले सकते हैं। आपको 750 वाला लेना है तो बुफे है, 950 में आपको सिटिंग में करते हैं मतलब खिलाते हैं बिठा के, एंड 1250 में प्रॉपर आपको एक बैंकेट में खाना जो है
है वो सर्व किया जाता है, तो डिफरेंट डिफरेंट है। उसके बाद टिकट्स मिलती हैं, चेकिंग भी होती है बाहर, एंड टिकट्स के लिए काफ़ी लंबी लाइन थी यहाँ पे, तो मतलब काफ़ी रश था। एंड उसके बाद हमने एंट्री कर ली। एंड 3 ईयर्स से ऊपर की एज के जो बच्चे हैं उनका भी हाफ टिकट यहाँ पे लेना होता है, यानी कि 720 का, जैसे 750 का हमारा था, तो 350 समथिंग हमने ऋत्विक का भी पे किया था, तो हाफ टिकट मतलब आपको लेना होगा 3 साल से ऊपर के बच्चों का भी। रबड़ी होनी होनी, रबड़ी होनी होनी, मेरा रबड़ी पबड़ी का नाम मतलब लहसुन का नाम मतलब नहीं, मैं कुछ नहीं खाने भाई अभी। चाय पकौड़े की दुकान नहीं, देखेंगे यहाँ पे क्या मिल रहा है। एक चीज लेना है बेटा, बहुत लोग है तुम अभी यहाँ पे, तो एक नहीं। नीचे से ले लो, नीचे से ले लो फोटो। ऋत्विक, ऋत्विक इसको आगे नहीं बिठाना, पीछे बिठाना है इसको, आगे बिठाते। अच्छा, ओ ऋत्विक, हेलो, बाय बाय। पकड़ के रखना, पकड़ के। इतना एंजॉय करने के बाद हमें भूख लग गई थी, फिर हम गए खाना खाने के लिए। तो इस तरह से टेबल्स एंड चेयर्स लगाई हुई थी, एक ओपन एरिया में सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ था, एंड यहाँ पे मिल रही थी स्टील की प्लेट्स जिसमें हमें खाना लेना था, एंड सेल्फ सर्विस थी यहाँ पे, आपको अपने आप लेना है यहाँ पे, एंड विदाउट गार्लिक फूड यहाँ पे मिल रहा था, लहसुन वाला खाना नहीं था, तो सभी लोग खा सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम रहती है कि कोई लहसुन खाता है कोई नहीं खाता, तो इसलिए बिना लहसुन का खाना था। बस यहाँ पे एक चटनी आपको गार्लिक वाली मिल रही थी, अदरवाइज़ विदाउट गार्लिक वाली चटनी भी अवेलेबल थी। एंड यहाँ पे खाना बहुत टेस्टी था, हमने लिया पालक टमाटर साग, मतलब वो टमाटर साग था, और आप देख रहे हो गरम गरम खाना बन रहा था, बहुत ही टेस्टी। और हम इस वेदर में गए हैं जो कि ना बहुत ठंड है ना ही बहुत गर्मी है, बहुत ही प्लीजेंट सा वेदर है, और बहुत ही इंजॉय किया हमने फूड ये वाला, क्योंकि प्रॉपर राजस्थानी खाना जो था वो मिल रहा था यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा था। पंचमेल दाल, कड़ी राइस, एंड यहाँ दाल बाटी नहीं सॉरी आई थिंक गट्टे की सब्जी, या
एंड ये चूरमा, मतलब बहुत सारी, मतलब इनका जो ट्रेडिशनल फूड है वो सारा पूरा यहाँ मिल रहा था। एंड हमने लिए कड़ी, पंचमेल दाल, गट्टे की सब्जी, साग, और हमने रोटियाँ भी ली थी। उसके बाद हमने कुछ गेम्स खेले यहाँ पे, पूरा पेट भर गया था। एंड बच्चों के लिए अच्छा खाना था, बाजरे की खिचड़ी बच्चे खा सकते हैं, बिना मिर्चों की थी, और काफ़ी अच्छा टेस्टी फूड मुझे लगा, और गरम गरम मिल रहा था तो बहुत ही ओ, टेस्टी एक था। टूट गया। सो गाइज, वी आर जस्ट बैक। हम अभी चौकी धानी से वापस आए हैं, और ऋत्विक की हालत दिखाती हूँ। ऋत्विक, मज़ा आया? बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। तो चौकी धानी इज़ अ वेरी नाइस प्लेस, बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, आपने देख ही लिया होगा कि मैंने बहुत ही कम मतलब शूट किया, क्योंकि इसके साथ शूट करना हो ही नहीं पाता है। ये यहाँ वहाँ भाग रहा था, तीन तीन बार तो एलिफेंट राइड कर ली। तो बेसिकली बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है, बड़ों के लिए भी है, बट अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा है, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। एक तो वहाँ पे कैमल राइड, एलिफेंट राइड और हॉर्स राइडिंग, तो ये सब बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और खाने की बात करूँ तो हमने जो 750 वाला जो बुफे लिया था वो खाना काफ़ी अच्छा था, और एकदम गरम गरम था, और ओपन में जो खाने को मिला बैठ के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि वो क्वांटिटी ना थोड़ी थोड़ी दे रहे थे कि आपको और लेना है तो आप और ले लो, पर ये नहीं कि पहले ही आपने भर भर के ले लिया और उसके बाद वेस्ट हो रहा है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो, छोटे बच्चे हैं आपके, 6 मंथ है क्या है, या 1 ईयर का है, 2 ईयर्स का है, तो आप प्रिफर करो कि आप बग्गी या प्रैम या ट्रॉली कुछ भी आप ऐसा लेके जाओ, मतलब जिसे आप थकोगे नहीं, वरना ना प्लेस इतना ज़्यादा बड़ा है, अगर आप बच्चे को गोदी में लेके घूमने का सोच रहे हो ना, आप घूम ही नहीं पाओगे, बिल्कुल भी थक जाओगे। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्रैम, बग्गी या कुछ भी ऐसी चीज़ लेके जाओ आप, जिससे बच्चा आराम से घूम लेगा, आप भी नहीं थकोगे। और मेरा फेस देख के आपको लग ही रहा होगा मैं कितनी टायर्ड हो गई, क्योंकि ऋत्विक का भी हाथ पकड़ पकड़ के उसके साथ साथ घूमना पड़ रहा था, उसको पकड़ना, यहाँ वहाँ भाग रहा था, तो बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो गई है उस वजह से। एंड खाने की बात करूँ तो बच्चों के लिए खाना, वैसे तो सारी चीज़ें थोड़ी स्पाइसी थी, छोटे बच्चे नहीं खा सकते, बट एक चीज़ थी बाजरे की खिचड़ी। अगर आपके बच्चे को खिचड़ी खाना पसंद है तो डेफ़िनेटली आप उस खिचड़ी को खिला सकते हो और बच्चा आराम से खा लेगा। जैसे ऋत्विक मिर्चों वाला खाना नहीं खाता है, बिल्कुल भी स्पाइसी फूड नहीं खाता है, तो उसको खिचड़ी बहुत पसंद है वैसे भी, और वो देसी घी वाली खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है, तो वो खिचड़ी उसे पसंद आ गई थी, तो उसने बेसिकली वो बाजरे वाली खिचड़ी खाई। हम पूरा घूम भी नहीं पाए, थक गए थे, ऋत्विक भी थक गया था, तो इसलिए हम वापस आ गए। एंड अब हम सोएंगे आराम से और कल हम करेंगे चेकआउट। तो ये सिंपल सा ब्लॉग मैंने बनाया आप लोगों के लिए, अगर आपको पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। गुड नाइट। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हमें जब चेकआउट करना है तो ऋत्विक अगेन अपनी बुक को एंजॉय कर रहा है, इसकी बहुत फेवरेट बुक है, और अभी भी वो उसी बुक को पढ़ रहा है और जाने के लिए मना कर रहा है, बट जाना तो होगा ही। तो चलिए अब घर चलते हैं वापस। वहाँ से दिख रही थी 9 8 7 6 5 4 3 2 1